अगर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद भी आपको यह लगता है कि कम पैसों से शेयर बाजार में आप कभी पैसे नहीं कमा सकते हो तो वीडियो को डिसलाइक मार के चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। लेकिन अगर आपको 1% भी ऐसे लगता है कि हाँ कम पैसों से भी शेयर बाजार में आप पैसे कमा सकते हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक मार के चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अगले हफ्ते की स्ट्रेटेजी डिजाइन एंड एग्जीक्यूशन प्रोसेस को। लेकिन हाँ आगे जाने से पहले आपने थंबनेल में 60,000 प्रॉफिट लिखा हुआ देखा होगा, वो मुझे एक्सप्लेन कर लेने दो। देखो दोस्तों पिछले ऑलमोस्ट 4 महीने से मतलब मार्च से लेकर के जून तक मैं लगातार यहाँ पे एक ही स्ट्रेटेजी के साथ काम कर रहा हूँ जो कि पूरी दुनिया को पता है, वो है शॉर्ट्स ट्रायंगल दोस्तों। और वहां पे आप देखोगे तो मैं नेट 63,000 के प्रॉफिट में हूँ। वो मुझे एक्चुअली आपको बताना था कि अगर आप डिसिप्लिन से रेगुलरली एक ही स्ट्रेटेजी को मतलब लेके काम करोगे ना दोस्तों तो आप हमेशा एट द एंड ऑफ द मंथ या फिर एट द एंड ऑफ द क्वार्टर आप प्रॉफिट में ही निकलोगे दोस्तों। मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप इस सीरीज के पिछले 15 लाइव ट्रेडिंग के वीडियो जो कि मैंने शॉर्ट्स ट्रायंगल के ही ऊपर बनाए हुए हैं उनको जरूर देखना दोस्तों। उससे आपको पता चलेगा कि मैं स्ट्रेटेजी में प्लान कैसे करता हूँ, डिजाइन कैसे करता हूँ, उसका एग्जीक्यूशन कैसे करता हूँ। बहुत सारे लोग ये बोलते रहते हैं कि जब मेरे पास बड़ा फंड आ जाएगा, बड़ा पैसा आ जाएगा तो ही मैं स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा कमा पाऊंगा। लेकिन मुझे एक चीज बताओ दोस्तों कि आप अगर 2 लाख को 4 लाख में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो तो इसकी क्या गारंटी है कि आप 20 लाख आपको अगर मिल जाते तो उसको आप 40 लाख में कन्वर्ट कर पाओगे। तो ये सब सोचना बंद करो और प्रोसेस पे ध्यान दो, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आएगा दोस्तों। अभी आप में से काफी सारे लोग रहेंगे जिनको अभी तक नहीं पता है कि शॉर्ट्स ट्रायंगल क्या होता है। तो दोस्तों मार्केट एक ऐसे मतलब इस हिसाब से चलती रहती है, कभी अप ट्रेंड में होती है, कभी साइडवेज मार्केट होती है, या कभी कभी मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है। तो आपको सिर्फ स्ट्रेटेजी डिजाइन करते वक्त मतलब आपको एक ही चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जैसे हम निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सिर्फ एक चीज करनी है कि आप निफ्टी के वीकली के जो लेवल्स है वो निकालने के लिए आपको आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी का आपको ये रेसिस्टेंस है, ये मतलब चार्ट पे दिख रहा है और यहाँ पे कोई आपको निफ्टी का सपोर्ट दिख रहा है तो निफ्टी आप एक्सपेक्ट ये कर रहे हो कि इस वाले हफ्ते में निफ्टी इस रेंज के अंदर ही एक्सपायर हो जाएगी। तो शॉर्ट्स ट्रायंगल स्ट्रेटेजी में हम क्या करते हैं दोस्तों, ये जो रेसिस्टेंस होता है मतलब आपको जो लगता है कि वीकली बेसिस पे ये रेसिस्टेंस निफ्टी क्रॉस नहीं कर सकती है और वीकली बेसिस पे ये वाला जो सपोर्ट है उस सपोर्ट निफ्टी क्रॉस नहीं कर सकती है तो हम सिंपली क्या किया करते हैं दोस्तों, इस रेसिस्टेंस के 100 पॉइंट ऊपर वाला जो भी कॉल रहेगा उस कॉल को हम क्या करेंगे, शॉर्ट सेल करते हैं एज पर आवर कैपिटल। ऐसे नहीं कि कितने भी लॉट आपको शॉर्ट सेल कर रहे हैं, एज वेल एज ये जो सपोर्ट है उसके 100 पॉइंट नीचे या सपोर्ट के आसपास के जो पुट्स रहेंगे उस पुट्स को हम क्या करते हैं दोस्तों, शॉर्ट सेल करते हैं। तो ये सिर्फ निफ्टी में ही नहीं आप किसी स्टॉक में भी कर सकते हो, लेकिन स्टॉक की एक्सपायरी जो है वो वीकली नहीं होती है, मंथली होती है तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको उसके मंथली लेवल निकालने के लिए आना चाहिए दोस्तों। या आप निफ्टी में भी अप्लाई कर सकते हो या बैंक निफ्टी में भी अप्लाई कर सकते हो, गोल्ड सिल्वर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस के लेवल्स कैसे निकालते हैं या अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे एंड्रॉइड एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है उसको डाउनलोड करके रखो। डेली बेसिस पे मार्केट ओपन होने से पहले मतलब अभी कल जो मार्केट ओपन होने वाला है उसके इंट्राडे के निफ्टी के सपोर्ट और रेसिस्टेंस के लेवल में मेरे एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया करता हूँ तो उसका बेनिफिट आप उठा सकते हो दोस्तों। साथ ही साथ अगर आप मेरी लाइव जो पोजीशन से जो भी मैं बनाता हूँ मतलब ऑप्शन सेलिंग की शॉर्ट्स ट्रायंगल की वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे डेली बेसिस पे सॉरी वीकली बेसिस पे पोस्ट करते रहता हूँ तो अगर आपको मेरे जो भी लाइव ट्रेड से उनको अगर फॉलो करना है और अकॉर्डिंग आपके खुद के भी ट्रेड को मतलब वहां पे एग्जीक्यूट करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दे रखी है, वहां पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके रख सकते हो दोस्तों। तो अभी आगे बढ़ते हैं और निफ्टी के चार्ट पे मैं आपको लेके चलता हूँ और वहां पे देखेंगे कि इस हफ्ते के लिए मैं निफ्टी के लिए क्या रेंज देख रहा हूँ। तो अभी आ चुके हैं हम निफ्टी के आवरली टाइम फ्रेम के चार्ट पे और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि निफ्टी का आवरली चार्ट कुछ इस हिसाब से चल रहा है। देखो दोस्तों मतलब जिगजैग होते हुए एक रेंज में स्टॉक है, मतलब ये इंडेक्स है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों कि 16,100 का जो लेवल है ये वीकली बेसिस पे निफ्टी क्रॉस नहीं कर पाएगी तो ये अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया ये होगा हमारा रेसिस्टेंस का एरिया। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि निफ्टी आने वाले मतलब ये वीक में 15,500 के नीचे नहीं जा सकती है तो ये बेसिकली हमारा हो जाएगा रेसिस्टेंस। तो हम सिंपली क्या करेंगे दोस्तों, इसके ऊपर वाले या फिर इसी के लेवल के हम कॉल्स को शॉर्ट सेल करेंगे और ये जो सपोर्ट है इस सपोर्ट के नीचे वाले या इसके आसपास के पुट्स को शॉर्ट सेल करेंगे। तो अभी मैं आपको जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे ऊपर लेके चलता हूँ और वहां पे दिखाने की कोशिश करूंगा कि मैंने कौन से कॉल और पुट को शॉर्ट सेल करा हुआ है दोस्तों।
25th ऑफ जून है दोस्तों, आज फ्राइडे का दिन है, दोपहर के 3:43 हुए। मार्केट्स ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं दोस्तों, तो यहाँ पे मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग इसलिए स्टार्ट किया ताकि आपको मतलब ये जो पोजीशन है उसकी आइडिया होनी चाहिए। तो आप अभी बोलोगे कि सर ये पोजीशंस तो ऑलरेडी बनाई हुई है, उसके रिकॉर्डिंग कहाँ पे है, वो हमें मतलब नहीं दिखाई दे रही है। तो दोस्तों उसके लिए आपको पिछला वीडियो में जो मैंने लास्ट वीक अपलोड किया था वो आपको एक बार देखना होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये जो पोजीशन मैंने बनाई है, मुझे पता था कि लास्ट हफ्ते की जो मेरी पोजीशन है वो मुझे गुरुवार तक मतलब एक्सपायरी के दिन तक, मंथली एक्सपायरी तक होल्ड करने पड़ने वाली थी। तो मैंने क्या किया, ये वाली जो पोजीशन है वो धीरे धीरे मैंने डिप्लॉय करना स्टार्ट करा था, एक एक लॉट के साथ मैं यहाँ पे आता गया था अंदर। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पिछले हफ्ते का वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में भी आपके डाल दूंगा, वो क्लिक करके देखना, तो आपको पता चलेगा कि ये पोजीशन मैंने किस हिसाब से बनाई हुई थी। तो क्लोज टू यहाँ पे ऑलमोस्ट 5000 का प्रॉफिट आ रहा है दोस्तों। आज फ्राइडे का दिन है, देखते हैं मंडे के दिन अगर ये मार्केट फ्लैट खुलती है या जो भी है, अगर जब भी हमें यहाँ पे 6000 के आसपास का मुनाफा दिखाई देगा उस वक्त हमें ये वाली पोजीशन में से एग्जिट कर लेंगे दोस्तों। कुछ नहीं, नॉर्मल शॉर्ट ट्रायंगल ही है, आपको सिर्फ यहाँ पे कंफ्यूजन होता होगा कि मतलब आपने अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस क्यों सिलेक्ट करी है दोस्तों। तो वो मैंने एक एक पोजीशन ऐड करी थी, उसके कारण मुझे जहाँ पे जो प्रीमियम मिला, तो सबसे पहले मैंने क्या करा हुआ था, 15,300 की पुट को शॉर्ट सेल करा था 22 रुपीज के एवरेज से। जब वो मतलब 10, 11 या 12 रुपया चल रही थी उस वक्त मुझे मौका मिला, मतलब मेरा कैपिटल करंट वीक से फ्री हुआ था तो वो मुझे इसमें डिप्लॉय करना था, लेकिन उस वक्त इसका रेट कुछ अट्रैक्टिव नहीं था, इसलिए मैंने मतलब 15,250 की जो पुट थी वो उस वक्त मुझे करीबन उसी रेट पे मिल रही थी जो मैंने 15,300 की पुट को शॉर्ट सेल करा था। सो दैट वाज द रीजन कि मैंने यहाँ पे 15,250 की पुट शॉर्ट सेल करना पसंद करा था। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखते हैं अभी ये वाली पोजीशन क्या हमें मतलब 2% मतलब 6000 का मुनाफा देती है या हमें कुछ और एडजस्टमेंट की जिसमें जरूरत पड़ती है दोस्तों। 28th ऑफ जून है दोस्तों, आज मंडे का दिन है, दोपहर के 3:01 हुआ है। जो पोजीशन हमने पिछले हफ्ते में डिप्लॉय करी हुई थी 15,250 की पुट, 15,300 की पुट एक एक लॉट, जिसमें हमें अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, क्लोज टू 5500 का मुनाफा हो रहा है। एक बार मैं आपको ऑफस्ट्रा पे लेके चलता हूँ और वहां पे हम मैट्रिक्स देखने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ पे देखो 15,300 की पुट में 1460 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, नीचे वाले पुट में 1500 का प्रॉफिट, और या ये जो दो कॉल हमने शॉर्ट सेल करते हैं उसमें क्लोज टू 2600 का प्रॉफिट हमें हो रहा है। क्लोज टू 93% की हमारी प्रोबेबिलिटी दिखा रही है, अगर गुरुवार तक ये ट्रेड हम होल्ड करेंगे तो हमें पूरा का पूरा 2.13% का रिटर्न मिलेगा, लेकिन आज की डेट में हमें कितना मिल रहा है, क्लोज टू 1.74, जो कि कुछ बुरा नहीं है। तो मैं यहाँ पे सोच रहा था कि ये वाली पोजीशन से फुल एग्जिट कर लेते हैं हम, क्योंकि मतलब 500 रुपया 400 रुपया बचा है, उसके लिए 2-3 दिन वेट करना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। आज मंडे का दिन है और दोपहर के ऑलमोस्ट 3 बजे, तो यहाँ पे निर्मला सीतारामन जी का आज कुछ मतलब स्पीच भी होने वाला है, तो मतलब मार्केट में थोड़ी सी गिरावट या फिर मतलब वोलाटिलिटी आ सकती है। तो हम सिंपली आज के डेट में ये जो प्रॉफिट है इसको बुक कर लेते हैं और अगले हफ्ते की पोजीशन जो है वहां पे हमें जो कम प्रीमियम मिलेंगे उसके ऊपर ध्यान देने की अभी कोशिश करेंगे कि वहां पे हम कौन सा ट्रायंगल बिठा सकते हैं दोस्तों। तो अभी हम सिंपली जाएंगे ज़ीरोधा पे और इस वाली पोजीशन से एग्जिट कर लेंगे। तो ये आ चुका हूं मैं ज़ीरोधा के प्लेटफॉर्म पे, मैंने सारी पोजीशन को सिलेक्ट करके एग्जिट पे क्लिक कर दिया आप लोगों के सामने। यहाँ पे आप देख पाओगे कि हमारी सारी की सारी पोजीशन बुक हो चुकी है और हमने बुक किया है क्लोज टू अराउंड 5493 का प्रॉफिट दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि शॉर्ट्स ट्रायंगल स्ट्रेटेजी डिजाइन कैसे करते हैं, डिप्लॉय कैसे करते हैं, उसकी एडजस्टमेंट्स और उसका एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं। अगर फिर भी आपके कुछ डाउट्स हो, मतलब जैसे कि आप बोलोगे कि ये पोजीशन तो ऑलरेडी आपने मतलब बनाई हुई थी, रिकॉर्डिंग हमारे सामने नहीं करी थी दोस्तों, तो ऐसे बिल्कुल भी मत समझना। मेरे पिछले वीडियो जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस की लिंक दे रखी है, मेरा पिछला वीडियो जो था उस पिछले हफ्ते का, वहां पे आप जाके देखो, वहां पे आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि मैंने एक एक करके कैसे पोजीशन में एंट्री करी हुई थी। अगर फिर भी आपके कुछ डाउट्स है कि मतलब मुझे ये चीज समझ में नहीं आई है फॉर एग्जाम्पल, तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे सवाल पूछ सकते हो, या मैंने मेरा व्हाट्सअप का नंबर भी दे रखा है, वहां पे आप मुझे पिंग करके भी आपके डाउट्स क्लियर करके ले सकते हो दोस्तों। तो इस हफ्ते के लिए सिर्फ इतना ही, फिर जल्दी मुलाकात होगी अगले हफ्ते में, तब तक के लिए आप लोग सब सेफ रहना, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।